नमस्कार, कैसे हैं आप? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। वो अब अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते राहुल क्या हताश हो गए? राहुल ने क्या हार मान ली? राहुल रिफॉर्म योजना था सोनिया गांधी का, अध्यक्ष तो उन्होंने अपने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, लेकिन रिफॉर्म तो राहुल गांधी को करना था ताकि कुछ दिनों तक खड़ाओं के रूप में रहने वाले मल्लिकार्जुन खुद कुर्सी खाली कर दें। खड़ाओं शब्द का प्रयोग हमने नहीं, सोनिया गांधी के ही सलमान खुर्शीद ने किया था कि राहुल गांधी राम हैं और उनका खड़ाओं उठाए चल रहे हैं मल्लिकार्जुन। लेकिन राहुल रिफॉर्म योजना केरल से निकल करके दिल्ली होते हुए हरियाणा पहुंचते पहुंचते फुस क्यों हो गई? राहुल गांधी दक्षिण में जोर लगाते रहे, लेकिन दिल्ली होते हुए जब उत्तर प्रदेश जाना था तो ना जब वो अमेठी गए, जहां से वो पारंपरिक सीट जहां से वो खुद हारे, उनके पिता जीतते रहे, चाचा जीतते रहे। उत्तर प्रदेश में एकमात्र लोकसभा सीट जो रायबरेली सोनिया गांधी जहां से सांसद हैं, वहां भी वो नहीं गए। मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्हें चुपके से निकाला गया। चुपके से नहीं, उत्तर प्रदेश के बाकी जनता से छुपाते हुए मुस्लिम बहुल इलाकों से। उन पर सवाल उठा कि वो गुजरात भी नहीं गए, छू करके निकल गए। हिमाचल में भी वो उनकी यात्रा को बस छू कर निकल जाना है। तो अंतिम समय में जब यह लगने लगा कि राहुल अब भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीख कर निकलेंगे, तो ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने स्वीकार कर ली हार? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल जी। सवाल मेरा यह है कि ये यात्रा जो है राहुल गांधी की इमेज बदलने में कितनी कामयाब रही है? चर्चा ये भी है राहुल गांधी की इमेज बदली है, आप इसे एक बड़ी उपलब्धि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, एक ही सवाल प्लीज प्रदीप, एक ही सवाल प्लीज हरियाणा का जिक्र प्लीज, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, प्लीज एक ही सवाल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं मेरे माइंड में, है ही नहीं, गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने खुद को मिटा दिया है, वो खत्म है, राहुल गांधी है ही नहीं, मर गया है राहुल गांधी, आपके मन में है राहुल गांधी, राहुल गांधी है ही नहीं। ये दिखाने की कोशिश, उन्हें सिखाने की कोशिश ये हुई, ये ट्रेनिंग इस रूप में हुई कि वो तपस्वी हो चुके हुए हैं। राहुल गांधी को यह बोलने समय तक लाने के लिए उनकी दाढ़ी बढ़ाई गई ताकि वो नरेंद्र मोदी की तरह दिखने लगे, लेकिन लोग कहने लगे कि वो सद्दाम हुसैन दिखने लगे। मोदी की तुलना टैगोर से उनकी दाढ़ी की होने लगी तो राहुल की दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से। दरअसल मोदी की सफलता को कांग्रेस में राहुल के लिए शॉर्टकट माना जाने लगा। मोदी विदेश के मंच को भुनाने लगे देशी मीडिया को छोड़ करके, तो राहुल गांधी को भी विदेश के मंच पर लाया जाने लगा। मोदी देश में लोकप्रिय हो रहे थे तो राहुल गांधी को देश घुमाया जाने लगा। कांग्रेस और उनके पत्रकारों की नज़र में उनकी जयकारा तो हुई, लेकिन राहुल अपने अतीत में अपने पोषण से रिफॉर्म जिस ढंग से उनको किया गया है, तैयार किया गया है, उसका असर दिखाते रहे। लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाले राहुल गांधी क्या क्या बोलते रहे, हिंदुत्व के खिलाफ, उस राहुल गांधी को सजाया जाने लगा इन रूपों में, भगवाधारी राहुल, पुजारी राहुल, संत राहुल, ना जाने किन किन प्रेमों में नजर आने लगे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जिस अपने आप को हिंदुत्ववादी आवरण में उड़ाने लगे, जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा हिंदुत्व को लेकर भी। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, आपको कोई
बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है, हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है, हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, रियलिटी इस देश की ये है। जी, मंदिर जाने वाले लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, वो हिंदुत्व से नफरत करते रहे। दरअसल राहुल गांधी जब ये बोलने लगे कि उन्होंने, राहुल गांधी आपके मन में है, आपके अंदर है, हमने राहुल गांधी को मार दिया है, दरअसल राहुल उन सब चीजों से पिंड छुड़ाना चाहते हैं जो उन्होंने अतीत में कहा, हिंदुत्व के खिलाफ, भारत के खिलाफ, चाइना के फेवर में, उन सब चीजों को राहुल मिटा देना चाहते हैं। लेकिन अतीत किसी का पीछा छोड़ती है क्या? तो राहुल का भी नहीं छोड़ रही। तो राहुल अपने आप को एक हिंदुत्ववादी साबित करने की कोशिश जब करते हैं तो उनके पुराने वीडियोज आ जाते हैं। अब इस वीडियो से, इस अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि वो तपस्वी हैं, पुजारी नहीं। जिस तरह से हिंदुत्ववादी और हिंदुओं में उन्होंने फर्क समझा, अंतर करना शुरू कर दिया, उसी तरह से उन्होंने खुद को तपस्वी बनाने के लिए खुद ये कहने लगा, पुजारियों के बारे में घृणा फैलानी शुरू कर दी। लेकिन हर मंदिरों में राहुल किसके साथ नजर आते रहे? ये सब के सब तो पुजारी हैं। दरअसल भारत जोड़ो में राहुल गांधी को रिफॉर्म करने की जो योजना सोनिया गांधी ने बनाई, राहुल उसमें बिखरते नजर आए। और राहुल से जब लगा कि उनसे कुछ ना हो पाएगा, उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, उनके मम्मी का हिंदुत्व विरोधी होना उन्हें पीछा नहीं छोड़ रहा, उनके तिहार रिटर्न चाचाओं के कर्म कुकर्म उन्हें पीछा नहीं छोड़ रहा, तो राहुल गांधी ने मान लिया कि उनसे ना होने वाला है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की असली ताकत राहुल गांधी ही हैं। जब तक राहुल प्रचार करने नहीं उतरते, मोदी को ताकत नहीं मिलती। इसीलिए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा उनका गुजरात से छुपाया गया। गुजरात में जब चुनाव हो रहे थे, भारत यात्रा कर रहे थे, और राहुल ने गुजरात में एक दिन की सांकेतिक रैली की, जिस हिमाचल में वो अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस जीत गई, राहुल वहां भी नहीं गए। राहुल दिल्ली चुनावों में भी गायब रहे। कहा जाता है कि मोदी का सामना उन्हें ना करना पड़े, इसलिए राहुल गांधी को चुनाव क्षेत्रों से दूर रखा गया और भारत जोड़ो के नाम पर उन्हें रिफॉर्म करने की योजना की गई। लेकिन अपने आधुनिक वामपंथी चाणक्यों के माध्यम से तैयार किए जाते रहे राहुल, जिस तरह से रिफॉर्म किए जाते रहे, जब ये लगने लगा कि इस देश में अब हिंदू जगने लगा है, तो उन्हें हिंदुत्ववाद का चोला पढ़ाया लगा। लेकिन असली राहुल बाहर निकल आता है और कभी वो हिंदुत्ववादियों को गाली देता है, कभी पुजारियों को। लेकिन सियार की तरह भगवा का विरोध करने वाला राहुल, जब भगवा उड़ा दिया जाता है, तो फिर उससे निकल कर वो अपना रंग दिखा देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल का ये जवाब अब दिखाता है कि वो किस कदर हताश हो चुके हैं। राहुल रिफॉर्म योजना भारत जोड़ो के साथ कितना सफल हुआ, यह राहुल खुद बयां कर रहे हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।